नमस्ते दोस्तों, कैसे हो? राम राम, जय हिंद। आज मैं आपको दिखा रही हूँ कि हम लोग गए थे शादी में कुछ दिन पहले गाँव। भतीजे की शादी थी नितिन की, तो उसी में हम लोग पहुँचे और ये गाड़ी वाड़ी पार करके हम लोग चले घर की तरफ। अब तो गांव में रोडें भी बहुत अच्छी हो गई हैं, बिल्कुल घर के नज़दीक तक ही पक्की रोडें बन गई हैं। ये अब बहुत अच्छा हो गया है। तो ये हमारा गांव है, बहुत ही सुंदर छोटा सा गांव, और ये इसका नज़ारा इस तरीके से है। सब बोल रहे हैं कि क्या वीडियो बनाने में लगी है। मैंने बोला मैं तो बनाऊंगी। ये हम चले, ये मयंक, ये यहाँ से हम गए नीचे, रास्ते में पक्का रास्ता बन गया पूरा घर तक। काफ़ी टाइम से बन गया, 4-5 साल हो गए, पहले ही पक्का था। रोड अब तक ऊपर अभी आई है। ये हम जाते हुए नीचे को घर की तरफ, यहाँ पे दीना का घर है बगल में रहते हैं हम लोग। पहुँचे, मैंने मैंग को बोला मेरा वीडियो बना। मैंग को बोल रहा है क्या वीडियो वीडियो वीडियो। मैंने कहा तू बना दे बस। इस तरीके से चलते हम पहुँचे घर में। यहाँ पे शायद ही कौन है, डब्बू और मनीष हमको देख रहे हैं कि कौन आ रहा है, प्रणाम कर रहे हैं। और ये हम गए घर की तरफ, मयंक और मनीष सामान लेके गए, और उसके बाद हम लोग गए बड़ी दी के घर। यहीं पे ये है बड़ी दीदी का घर, बैक साइड वाला एरिया है ये, यहाँ से ये दिख रहा है। ये आ गया कमरा और किचन, तो यहीं बैठे हैं हम। बड़ी दी हमारे लिए पानी वानी लेके आई, थोड़ा हमने रेस्ट किया, और फिर उसके बाद मैं थोड़ा उधर दीदी को मिल के आई, जिनके बेटे की शादी है, चौथी वाली जेठानी, ये विहान। और ये यहाँ पे मुआयना कर रहा है कि क्या क्या है यहाँ पे। ये बंटी और अन्नू भी पहुँच गए, बड़ी दी पानी लेके आई हम लोगों के लिए। पानी वानी पिया हमने, चाय वाय पी। ये इसका साथ शिखिन करता हुआ। तो फिर दीदी के यहाँ गए, तो वहाँ पे आज जैसे कि आज हम पहुँचे थे तो आज मेहंदी थी। मेहंदी हमने बोला दीदी को, दी हम दिन में ही मेहंदी लगा लेते हैं, फिर शाम को ना फिर थोड़ा सा फ्री सा रहेगा, कि ठंड भी रहेगी। इतनी ठंड नहीं थी उस टाइम पे, बट फिर भी हमने सोचा कि दिन में ही लगा लें तो हम फ्री हो जाएंगे। और फिर हमने मेहंदी मेहंदी लगा के फिर ये खाना, पुराने वाले मकान में खाना बनाने वालों ने ये खाने का बंदोबस्त कर रखा था। बड़ा मज़ा आया यहाँ पे खाना खा के। पुराना ये मकान है तो इसको हमने तोड़ा नहीं है अभी तक, और ये बहुत अच्छा लगता है। कुछ जब कुछ भी प्रोग्राम होता है तो यहीं पे खाना वाना खाते हैं, तो बड़ा मज़ा आता है। पुश्तैनी मकान है ये हम लोगों का। और ये सबने यहाँ पे खाना खाया दोपहर का। फिर ये बड़ी दी है, सबसे बड़ी जेठानी, और ये भाई जी जेठ जी, ये मैं विहान, और ये कारीगर लोग साथ में मट्ठी वट्ठी भी बना रहे हैं, शायद लड्डू वड्डू बना रहे हैं ये यहाँ पे। ये बेसन के लड्डू के लिए वो घोल वोल तैयार कर रहे हैं, जैसे वो देख रहे हैं कि वीडियो बना रहे, तो और ज़ोर शोर से काम में लग रहे हैं वो। ये आलू वाला भी लग गया ज़ोर शोर से कट्टे को हिलाने। ये यस्सू भात दाल खाता हुआ, अरहर की दाल बहुत टेस्टी बना रखी थी भाई। यह है दूल्हा हमारा जो भात खा रहा है, ये है दूल्हे की मम्मी जेठानी जी हमारी चौथे नंबर की, और ये कौन है, ये जेठ जी हैं, ये भी खाना खा रहे हैं। ये यस्सू भात खा रहा है। बोला चाची वीडियो बनाओ, बना रहे हैं। दूल्हा और रिंकी बैठे हैं, ये है दीदी, ये है रिंकी, ये इसकी मैंने रील भी डाली थी, शायद देखिएगा, देखी होगी आप लोगों ने फेसबुक पे, मैंने रील भी डाली थी इसकी। तो फिर ये हुआ, उसके बाद मैंने दीदी को बोला कि दी आप भी मेहंदी लगा लो। फिर दीदी को भी हमने मेहंदी लगा दी पकड़ के, मैंने कहा दी आप लगा लो, दूल्हे की मम्मी मेन है। तो खाना खाने के बाद जो जितने भी बाकी थे सबको मेहंदी लगा दी भाई, उजाले में ही लगा लो। 4-5 बज रहे थे शायद उस टाइम पे। हमने कहा मेहंदी मेहंदी लगा के फ्री हो जाओ। ये रिंकी की बेटी, ये ज्योति, ये पहले से लगा के आई है मेहंदी। ये सुषमा, सुषमा की बेटी, और ये रिंकी, और वो बैठ, ये है कुसा कुसुम, मेहंदी दिखाते हुए सब लोग बड़ा एंजॉय कर रहे हैं। बोला कि
हो गई शाम, और शाम होते ही जल गया चूल्हा। हम आग ताप रहे हैं गाइस, गाइस बहुत ठंड हो रही है, गर्म पानी का पतीला है गाइस, हमारा गांव का स्विमिंग पूल है गाइस, मेरी मम्मी इस पे बैठने वाली थोड़ी देर में गाइस, और मुझे बिल्कुल भी जलन नहीं, क्योंकि आज मेहंदी है इसलिए ये टेंट भी लग गया है, और ये बच्चे एंजॉय करते हुए, अब मेहंदी है तो डांस भी होगा, उसके बाद हम लोगों ने डांस किया और एंजॉय किया बहुत ज़्यादा, थोड़ी बहुत रील्स भी बनाई मैं और अनु और रिंकी, और बाकी लोग अभी थोड़ी देर में आ रहे होंगे शायद खाना वाना खा के, हम तो जल्दी से खाना वाना खा के सो गए थे, हमने कहा सुबह फिर बाने हैं, बानों के लिए जल्दी उठना है, इसलिए अपना डांस वांस करके फटाफट से चले गए। ये फोटो सेशन होता हुआ दूल्हे के साथ सभी का, दूल्हे की मम्मी मौसी और ये अनु महेश और विहान, फ़ोटो वोटो खिंचा के फिर खाना खाया हमने उसी जगह में। आज ये काफ़ी गांव के भी आ रखे थे सारे लोग, तो ये सब हुआ। मेहंदी के नाइट का है ये, खाना वाना एंजॉय करा सबने खा के, ये वीडियो शूट करते हुए। सब अपनी प्लेटें दिखा रहे हैं कि कोई बोल रहा नानी, कोई बोल रहा चाची, कोई बोल रहा दादी हमें भी शूट करो, ये सब बोल रहा है कि चाची मुझे दिखाओ, ये है। तो इस तरीके से ये खाना खा के सब लोग चले गए आराम करने। ये खुशी बोलो मेरी प्लेट मत दिखाओ चाची, नानी ऊपर करो कैमरा, और उसने अपनी प्लेट ऊपर कर दी। रिंकी डाइट कंट्रोल कर रही है, और आज रिंकी का डाइट केवल यही है, यही है, यही खाएगी। अरे नहीं नहीं डाइट जोड़ो, यही खाएगी, ये बताओ कैलोरीज कितनी हुई, घड़ी दिखाई हो गए। और नेक्स्ट हो गई सुबह, आज है मेरा फेवरेट हल्दी बाने, और ये सब भाई जी ने सुबह से ये सबके लिए पानी का पतीला चढ़ा दिया 4 बजे से, और ये कालू भाई साहब झाड़ू लगाते हुए पूरे आंगन में, और ये श्रीमान जी देखो नहा धो के तैयार है, हो गई बाने की तैयारी, दूल्हे के लिए हल्दी कूट रहे हैं। हल्दी कूट रहे हैं और ये पीछे खड़ी हैं 5 कन्याएं जो पहले दूल्हे को बाना देती है। ये दूल्हा हल्दी निकालता हुआ ये बड़ी दीदी है जो हल्दी पीस कूट रही थी, सबको बुला रहे हैं, सब अभी तैयार होके आ रहे हैं, कोई तैयार हो रहा है कोई हुआ नहीं है, बट यहाँ पे टाइम से शुरू कर दिया है पंडित जी ने, भाई जी ने, और ये देखो कितने कम लोग अभी नज़र में आ रहे हैं, अभी ये यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है हल्दी बाने, जिनको पहाड़ी में बोलते हैं बाने गढ़वाली में, ये पंडित जी बाने दे रहे हैं, और उसके बाद बाने वाने हुए, बहुत बानों के लिए बहुत भीड़ लग जाती है जैसे कि आप लोगों को पता है। ये आ गए श्रीमान जी, मेरी जी, उसके बाद एक एक करके सभी ने बाने दिए, और उसके बाद हमने बनाई काफ़ी सारी रील्स बनाई हमने, जो कि मैंने फेसबुक में और इंस्टा पे भी पोस्ट करी है, बहुत सारे लाइक्स मिल रहे हैं उसको।
तो ये हमारे रील्स बनती है, उसमें हम एंजॉय कर रहे हैं। उसके बाद शाम को हुआ कीर्तन। कीर्तन में बड़ा मज़ा आया। कीर्तन में भी कीर्तन मंडली जो है थोड़ी शादी का सीज़न ज़्यादा होने के कारण थोड़ी कम थे लेडीज़, लेकिन बड़ा मज़ा आया। जैसे कि आज ये न्यूतेर ये अन्नू के साथ मस्ती करते हुए न्यूतेर है आज, तो ये न्यूतेर में ये डांस करते हुए पूरे फैमिली मेंबर्स। ये है रवि हमारा डांसर। हो गई बारात की जाने की तैयारी, और ये ढोल ढमाओ शुरू हो गए। ये दूल्हे राजा तैयार हैं चलने के लिए, पंडित जी पिठाई लगाते हुए। दीदी और ये शोभा और कुछ सब माला पकड़ के खड़े हैं। पंडित जी सबको पिठाई लगा रहे हैं और बुला रहे हैं कि चलो भाई देर हो रही है, क्योंकि बारात में टाइम से फिर वापस भी आना है। ये राकेश, गीता, कुसुम, सुषमा, शोभा सब खड़े हुए हैं। बाकी लोगों को बुलाया जा रहा है कि भाई जल्दी जल्दी आओ, कहाँ हो। ये दूल्हे तैयार हैं। दूल्हे की मम्मी ने माला डाल दी है दूल्हे के गले में। ये बड़ी दी, दुगड़ा दीदी बोलता हूँ इनको। ये दूल्हे की नानी, नाना जी, मामा जी। तो इसी तरीके से सबने एक एक करके अपनी लाई हुई मालाएं दूल्हे को डाली, और उसके बाद दूल्हा चला दुल्हन को लेने के लिए। ये रिंकी का डांस, ये है यशु और रिंकी। खुदवार दीदी और भाजी बेसक वाले, ये दूसरे नंबर के दीदी और हेमू। ज्योति और रिंकू, भतीजी और जमाई, दोनों डांस करते हुए। हेमू और रिंकी ये सुबह आ गया साथ में। तो अब हो चुकी है बारात को मूव करने की तैयारी। सब रेडी हैं और झूम रहे हैं ढोल ढमाओ पर। ये कालू भाई साहब बेचारा, ये भी लेके आया माला। ये भाई जी बचपन से यहीं रहा है दीदी लोग के साथ में। ये बच्चे छोटे छोटे थे तब से इन बच्चों के साथ है। ये भी बड़ा हो गया भाई साहब भी। तैयारी हो चुकी है दूल्हे को, अब दूल्हे चलेंगे टोले में। तो ये चल पड़े दुल्हन को लेने के लिए। ये चेट जी तीसरे नंबर के, यह है दूल्हे का डोला। तो ये यहाँ पे अभी दूल्हे को उतार दिया, यहाँ से दूल्हा पैदल जाएगा क्योंकि भाई ऊपर चढ़ाई है। और ये हम पहुँच गए दुगड्डे। दुगड्डे में हो रहा है डांस। अभी दुगड्डे में हॉल था कुछ देर का, यहाँ पे चाय नाश्ते का अरेंजमेंट था। तो यहाँ पे हमने नाश्ता पानी खाया और उसके बाद फिर चले आगे को। आगे से थोड़ा ही दूर है, ज़्यादा दूर नहीं था।
अगर जो लोग दुगड्डा से हैं तो उनको पता होगा वहाँ पे पुल है, ये पुल तो ये पुल काफ़ी पुराना है, तो इसलिए कुछ कुछ लोगों को छोड़ रहे थे, 10-10, 12-12 लोगों को बोल रहे थे कि चलो एक साथ मत जाओ, बाकी लोग भीड़ मत करो। तो ये आ गई दूल्हे की बड़डाली, ये हम थोड़ा थोड़ा करके आए, वेट वेट करते करते आए, ये हेमू निकलता हुआ, और यहाँ पे हो गई बारात इकट्ठी। यहाँ पे गेट लगा हुआ है, यहाँ से थोड़ा सा ऊपर को जाएगी बारात, और ज़्यादा दूर नहीं है, थोड़ा पास ही है, तो ऊपर हाँ सब इंतज़ाम कर रखा है। ये दूल्हे की जो रस्में होती हैं दुल्हन आने से पहले वो की जा रही है स्टेज पे, और ये आ गई दुल्हन। दुल्हन को कहाँ से कैसे कैसे शूट करें, सब ये कोशिश में लगे हैं कि हम सबसे पहले शूट कर लें दुल्हन को, और ये थोड़ा बहुत कोशिशों के बाद तो मैंने इतना ही कर पाया घुस घुस के। सब तो मुझे बोल रहे हैं कि जितना कैमरामैन ने भी वीडियोस नहीं बनाए उतने वीडियोस तो आपने बना ली। गणेश बोल रहा था मेरे को कि आपने तो इतनी वीडियोस बना ली कि जितने तो कैमरामैन ने भी नहीं बनाई। मैंने कहा सही बोला। और ये आ गई दुल्हन, दूल्हा रिसीव करते हुए दुल्हन को, और ये उसके बाद फोटो सेशन होता है। इसके बीच ही हमने खाना वाना खा लिया था, और खाना खा के हमको वापस जाना था गांव। ये ढोल डमा वाले जैसे देख रहे हैं कि ना वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है तो और भी अच्छा अच्छा बजा रहे थे, वैसे तो बजाते अच्छे हैं। पीछे वाला भैया बोला था मुझे भी ले लेना वीडियो में, ले लिया। तो ये सब बेदी हो रही है यहाँ पे, जैसे कि आपको पता ही है, बेदी बेदी होके हम आगे बीच का शूट नहीं कर पाए, मोबाइल ऑफ हो गया था जब विदाई हो रही थी, उस टाइम पे हो गया था। ये घर आए, घर में था रिसेप्शन छोटा सा, और ये यहाँ पे थोड़ा फोटो सेशन हो रहा है सभी के साथ, दूल्हा दुल्हन का, ये दीदी और ये उनकी पूरी फैमिली। हो गया पूरा प्रोग्राम ख़त्म, शादी ख़त्म। अब नेक्स्ट डे सबकी चलने की तैयारी है। ये बहुत ही इमोशनल मोमेंट, सब लोग, ये मनीष की बेटी बहुत रो रही है, बहुत ही ज़्यादा इसको ख़राब लग रहा है। सब लोग एक दूसरे से मिल रहे हैं, और ये दूल्हा दीदी और छोटी दीदी दोनों इमोशनल हो रही हैं। बड़ी दीदी तो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रही थी इस बार। और ये ज्योति, सब लोग निकल रहे हैं क्या करके, दीदी तो बाद में आएगी शायद, हाँ दीदी हमसे बाद में आई, और रिंकी हम सब लोग आज हम साथ में आए। महेश लोग तो वहीं से निकल गए थे, वो लोग तो आप जैसा कि आपने देखा नहीं बीच में, वो लोग चले गए थे दूल्हा दुल्हन की जब बेदी हो रही थी उस टाइम वो लोग चले गए थे। मयंक भी आ गया था, हमीद है बस, ये हम रिंकी लोगों के साथ आए। तो गाँव की शादी जो थी निक्की की, बहुत ही इन्जॉय करी, काफ़ी टाइम के बाद गांव में शादी हुई। प्लेन्स में होती है शादी तो अच्छा तो लगता है, इन्जॉय तो होता है, बट उतना इन्जॉय नहीं होता जितना गांव में होता है पूरा। सब लोग पास में रहते हैं, बड़ा मज़ा आता है। गांव अब काफ़ी खाली हो गया हमारा, बहुत कम लोग रहते हैं यहाँ पे। ये ज्योति मिल रही है दीना की मम्मी से, और ये बातचीतें पूरी नहीं हो रही हैं। रबी जा रहा था स्कूटी में, ये दीदी, हम लोग वीडियो बनाते बनाते पहुँचे ऊपर। ऊपर जाके भी हमने कुछ शूट वोट किया, यसु। तो इस तरीके से हमने शादी को बहुत इन्जॉय किया इस बारी।
नेक्स्ट टाइम आप सब बोल रहे हैं कि अब कब मिलेंगे, पता नहीं किसकी शादी होगी, देखते हैं अब नेक्स्ट नंबर किसका है। यहाँ पे गांव का बहुत ही अच्छा दृश्य, जब बारात जा रहे थे तो यहाँ ना आग भी लग गई थी। ये बोल रहे हैं कि तुम ना नागी डांस कर, मैं हाँ चलो करो, बच्चे आपस में बोल रहे हैं, ये बजाई इसने बीन बोल रहे चाची जल्दी आओ यहाँ पे बसियाणी गांव में, ये जो लिखा हुआ है ना बस ग्राम बसियाणी, यहाँ पे फ़ोटो खिंचाएंगे। रिंकी आवाज़ लगा रही है। तो इस तरीके से हम शादी ठीक ठाक निपट गई हम लोगों के घर में, और अब दिल्ली वापसी की तैयारी हमारी। अब नेक्स्ट देखते हैं कब आते हैं गांव के लिए। बहुत ही इंजॉय किया हमने घर में, बहुत मज़ा आया। वो फोटो में सही है। मिलते हैं नेक्स्ट शादी में या वीडियो में।